अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो खास तौर पे जिन लोगों के यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जो हैं वो उस पर व्यूज़ कम आते हैं या प्रमोशन नहीं होती उनकी। तो उसमें एक फैक्टर मैं आप लोग यहाँ पर बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दूँ कि जो है आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होती। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप जो है वो आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ भी आएंगे, लोग आपकी वीडियो के ऊपर स्टे करेंगे और वॉच टाइम भी बढ़ेगा आपका और आपकी चैनल की मोनेटाइजेशन भी ऑन होगी। और अगर आपके चैनल मोनेटाइज है ऑलरेडी तो वो उसके ऊपर जो है अर्निंग भी होगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती हैं। तो आपने हमेशा अपने कॉन्टेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा, हाई डेफिनेशन पर हो और ऐसा हो कि मतलब उसके अंदर कचरा ना हो, ऐसा हो कि जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो और ऐसा लगे कि अगले को, देखने वाले को, विजिटर को ये एहसास हो या ये फील आप उसको देंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। अगर यहाँ पे मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसके अंदर अगर बग 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 किए जा रहा हूँ और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे देखें हम आपको, मैं आपको ये खुद ये चीज़ कहता हूँ कि यार आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछें। ये एक बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपके ऊपर कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ रहे। मैं अगर आपको एक चीज़, एक टिप बता रहा हूँ फ्री में, तो आप उसको इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन बजाय इसके कि कोई बंदा अगर 10 या 20 हज़ार रुपये दे के भी आपको यही चीज़ बता रहा है तो आप उसको ज़्यादा अहमियत देंगे क्योंकि वो आपसे पैसे ले रहे, आपने उसको पैसे किए क्योंकि आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। आपको एक चीज़, ये इस चीज़ का एहसास होता है यार मैंने 10 हज़ार रुपये दिए हैं और उसने मुझे ये चीज़ बताई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही चीज़ मैं फ्री में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ तो आप उसको कोई अहमियत नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखें अगर हम आपको फ्री में एक चीज़ एडवाइस दे रहे हैं या कोई आपको टिप दे रहे हैं तो उस पर आपको जो है वो होना चाहिए कि यार ये बंदा मुझे सही कह रहा है या सही गाइड कर रहा है, तो आपने उसको ट्राई करके तो देखना चाहिए ना कम अज़ कम। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टाइटल वगैरह जो हैं ये आपने टाइटल ऐसा देना है कि बिल्कुल एक सजेस्ट, मतलब मैं एक एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब मैं लिख लूँ मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था, ये अलग हो गया। फिर कल सुबह मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था कल सुबह, ये तीन मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिख दी। अब वो YouTube का जो एल्गोरिथम है या बोर्ड्स हैं वो कहेंगे यार मैं यूनिवर्सिटी को फॉलो करूं, गया था इसको फॉलो करूं या कल सुबह, अब वो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहाँ पे भी उसको वो डिस्क्रिप्शन आपकी पड़ेगा, उसको समझ आएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में भी उसको समझ नहीं आती आपकी चीज़ बात, तो फिर वो क्या करेगा, टैग्स में जाएगा। अब टैग्स में क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ बहुत अच्छी। टैग्स के अंदर होता क्या है, मैंने बाज़ का बहुत सी वीडियोज़ ऐसी देखी, ये हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, इसके टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई, मेरा सारा कंटेंट इसी के ऊपर है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई इसी टॉपिक पे। अब मैं टैग्स में क्या डाल रहा हूँ, हाउ टू मेक फेसबुक पेज, हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू मेक ट्विटर अकाउंट, हाउ टू मेक वीडियो ऑन ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, अब और यूट्यूब के हवाले से मैंने 2-3 लिखी हुई चीज़ें। अब बॉट सिस्टम आएगा टैग्स के ऊपर, वो आएगा पढ़ेगा, वो कहेगा यार कि इसको मैं ट्विटर को फॉलो करूँ, इंस्टाग्राम को फॉलो करूं, यूट्यूब को फॉलो करूं, किसको फॉलो करूं, फेसबुक का पेज भी इसमें बात कर रहा है वो, अब वो वहाँ भी कन्फ्यूज़ रहेगा, वो कन्फ्यूज़ होगा, तो अब उसको टाइटल में भी कोई चीज़ नहीं मिली, डिस्क्रिप्शन में भी कोई चीज़ नहीं मिली और उसको टैग्स में भी कोई चीज़ नहीं मिली। जब तीनों जगह उसको कोई चीज़ नहीं मिली तो और कोई रास्ता है ही नहीं उसके पास कि वो वीडियो को क्या करे, वो क्या करेगा, वीडियो को पीछे बैकवर्ड में कचरे में फेंक देगा, कचरे में फेंकेगा आपकी वीडियो, उसके पास कोई व्यूज़ नहीं आएंगे, रैंक नहीं होगी। अब होता क्या है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा फील की पर्सनली के लोग क्या करते हैं, थंबनेल बड़ी अजीब वरीब बनाते हैं, ऐसी अट्रैक्टिव और अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं, मैंने बहुत सी ऐसी भरमार पड़ी हुई वीडियोस की और मैं खुद भी देखता रहता हूँ क्योंकि मैं एक चीज़, इसको एक्सपीरियंस काउंट होता है हमारा भी, तो देखता हूँ कि यार इसने अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ। अब होता क्या है, वो वीडियो जब मैंने थंबनेल देखी उस पर क्लिक किया, इस तरह करके आपने 1 लाख व्यूज़ ले लिए, लेकिन वो 1 लाख व्यूज़ जब होता क्या है कि मैंने क्लिक किया, मैं अब थोड़ा सा शुरू के अल्फाज देखूंगा यार कि वीडियो के अंदर तो कुछ भी नहीं, मैं फ़ोन बंद कर दूंगा। अब वो आपका 1 मिनट 5 मिनट की वीडियो थी लेकिन उसके ऊपर मैं रुका 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद जब मैंने वीडियो बंद कर दी, वो 1 लाख बंदा इसी तरह रुका। अब उसका वॉच टाइम आया नहीं वीडियो का, वो क्या होगा कि यूट्यूब देखेगा यार ये इसने तो ऐसी ब्लंडर की है और वो उठा के उस वीडियो को कचरे में डाल देगा आपका। अब होगा क्या, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, देखें आपकी थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है, अगर आप
ने एक 703 सी थंबनेल बनाई भी उसको, पर उर्दू का एक सेंटेंस लिखा हुआ आपने, वो वीडियो अपलोड कर दी। अब मैं आया, मैंने वो वीडियो देखी, अब मैं मुझे उसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो मैं क्या करूँगा उसको देखूँगा यार कि ये वीडियो जो है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो वो मैं पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखी। अब मैंने उसको क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार शेयर करते हैं फेसबुक पे, मैं फेसबुक पे शेयर कर दूँगा, शेयरिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद होगा क्या, वो वीडियो आपकी देखते 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 वायरल हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर वॉच टाइम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक कुछ चीज़ ऐसी थी जो कि कन्फ्यूज़ कर देती लोगों को। आपने इन चीज़ों को बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने प्रॉपर तरीके से काम करना है, और ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, आपका चैनल ग्रो करने के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।